हाँ बताइए, आप कहाँ से हैं? आप पिथौरागढ़ से और उत्तराखंड। अच्छा, हाँ तो ये वुडन मास्क की आप ये कब से बना रहे हैं, कितने साल से? वुडन मास्क अगर बेसिकली देखा जाए तो वहाँ का ये एक ट्रेडिशनल एक फेस्टिवल है। कब होता है फेस्टिवल? ये भादो महीने में होता है, अगस्त सितंबर के बीच के आसपास में। और ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ पिथौरागढ़ के अलावा उत्तराखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। अच्छा, और ये जो मुखौटे हैं ये हिल यात्रा में जो गांव के जो लोग हैं उसको पहन के डांस करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो एक डांस फॉर्म है ये। और आप देख सकते हैं कि पीछे हिल यात्रा में जो भी चीज़ें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसका जो क्राफ्ट हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं। और पीछे हमारे पीछे यहाँ पर एक ढोका बना रहे हैं और ये जो मास्क है छोटे छोटे जो मिनिएचर्स हैं ये उसको पेंट किया जा रहा है। ये जो बन रहा है फिर ये ऐसा बन के दिखेगा, ऐसा बन के आएगा। बाकी अलग ये बता दो। और एक ये फ्रेम है। अच्छा, ये तो एक मास्क को बनाने में कितना टाइम लगता है आप अंदाज से? एक मास्क को बनाने में लगभग अगर ये बड़ा वाला जो साइज है, हाँ, 2 दिन तो कम से कम लग जाते हैं। अच्छा, और इसको सूखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, सूखने के बाद ही पेंट होता है इसका। मान के चलिए 3-4 हफ्ता भर इसको सूखने में लगेगा बनने के बाद में, उसके बाद इसके ऊपर पेंट किया जाएगा। और ये मास्क क्या है कि सूखी लकड़ी में नहीं बन, हाँ गीली लकड़ी में, गीली लकड़ी में शेड निकलता है। उसके बाद फिर हफ्ता भर इसको सुखाने के बाद उस पर पेंट किया जाता है। तो पेंट सूखने में फिर टाइम लगता होगा? पेंट तो फिर सूख जाता है लेकिन टाइम टेकिंग तो है ये। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा कैलाश। हमारी एकेडमी है भावरा ताल नाट्य एकेडमी। एकेडमी कब से काम कर रही है आपकी? अच्छा, हम लोग थिएटर ग्रुप ही है हमारा। अच्छा, वेरी गुड। तो उत्तराखंड के जितने भी अलग अलग जो फॉर्म्स है, चाहे क्राफ्ट हो, डांस हो, म्यूजिक हो और लिटरेचर हो, सारी चीज़ों पर हम लोग। चलिए, अच्छा लगा आपसे। ये शिव जी का रूप माना जाता है। चैनल कौन सा है? एग्री म्यूजियम। ये कौन सा पेड़ यूज करते हैं आप इसमें? लकड़ी आम का। अच्छा, आम में नक्काशी अच्छी होती है? मुझे भी नहीं पता था, चलिए आज नई चीज़ पता लगी। विजय सार एक लकड़ी है। हाँ, उसमें भी है। आपका नाम क्या है? आपका नाम है। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलो। और कौन से गांव के हो आप? वही बैठे रहो, बैठा रहो। हाँ, कौन से गांव के हो? अच्छा, तो कितने साल से ये काम कर रहे हो आप? अच्छा, ठीक है, करते रहो काम। ये भगवान शिव का मास्क है ये वाला जो कल, क्या नाम बताया आपने? नटेश्वर। नटेश्वर, हाँ, नटराज से उसी से बना होगा। हाँ,
लटेश्वर 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 लखिया भूत कहते हैं। अच्छा, लट से बना होगा लटेश्वर, लट से। तो ये फेस्टिवल आपका कब लगता है? ये सितंबर के आसपास, अगस्त और सितंबर के बीच में। अच्छा अच्छा इस आर्ट को क्या बोलते हैं आप? हिल जात्रा। हिल हिल जात्रा। हिल जाता। अब बताइए यहाँ। अच्छा हाँ बताइए, अपने बारे में बताइए। हिल जाता, अपने बारे में बताएं। हाँ पहले बता दिए, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम कैलाश है, कैलाश कुमार। हाँ और हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार जो हमारा भावराज का नाट्य अकेडमी है उसको हम लोग पिथौरागढ़ में काम करते हैं, मतलब उसके अंदर, उसके अंडर में। और हम बहुत सारी चीज़ों पर काम करते हैं, हम लोग रंगमंच पर काम करते हैं, थिएटर एंड एजुकेशन को लेकर काम करते हैं, क्राफ्ट को लेकर काम करते हैं, म्यूज़िक को लेकर काम करते हैं, और जो लोक साहित्य है उनको उनको लेकर हम नाटक बनाते हैं, उनके देश भर में प्रदर्शन करते हैं। और इसके अलावा जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर जो ये जो पूरा क्राफ्ट को लेकर यहाँ आप देखेंगे हर तरफ दिख रहा है, तो हम लोग भी वहाँ से पिथौरागढ़ से एक क्राफ्ट वर्क जो हमारा है जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, उसको लेकर हम लोग आए हैं। और ये क्राफ्ट जो देख रहे हैं आप हिल जात्रा में यूज होने वाली जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पर वो बनाई गई है। और हिल जात्रा, हिल मतलब कई लोगों के दिमाग में आता कि हिल पहाड़ है, हिल का मतलब हम पहाड़ी समझते हैं। तो हिल एक मतलब एक लोकल शब्द है, लोकल डायलेक्ट है वो। और हिल का मतलब ये होता है कि जैसे कीचड़ वाली जगह है ना, तो कीचड़ में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भादो माह में ये बनाया जाता है, तो उसमें बरसात का महीना शुरू होता है और धान की रोपाई हो रही होती है। अच्छा ठीक है। और नए जो नए जो फल फ्रूट और सब्जियाँ जो आती हैं उसके ऊपर ये पूरा पर्व है, उसी की कामना के लेकर और उसकी समृद्धि को लेकर ये पूरा त्यौहार होता है। और हिल का और यात्रा मतलब एक तरीके से यात्रा कह लें, या उसको एक एक समूह डांस कह लें, या एक एक जो रिचुअल्स होते हैं, ग्रुप रिचुअल्स जो होता है उसको लेकर हम अगर बात करें तो वो एक्चुअल में ये है। चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। अब यहाँ कब तक हैं यहाँ पर? हम लोग 25 तारीख तक हैं यहाँ पर। अच्छा 25 तारीख, तो 2 शिफ्ट में इन्होंने बुलाए हुए हैं।